करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, दोनों के बेहद खूब जानता है तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहम्मद रमज़ान अवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग गाइडलाइन। फ्रेंड्स, मैं आज जो आपको लेके जाऊँगा नूरशाह गाजी के मज़ार पर, जो कि अब्दुल्ला शाह गाजी के भाई हैं। इनका मज़ार नथिया गली की एक चोटी पर वाक़ है, जहाँ बंदा मेंशन भी नहीं कर सकता। तो दिखाएंगे आज आपको अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार और इसका रास्ता। तो रहें मेरे साथ और एंजॉय करें वीडियो। प्रोग्राम तो हम काफ़ी दिनों से बना रहे थे कि नूरशाह गाजी का मज़ार दिखाएं आप लोगों को, मगर हो गए हम आज थोड़ा लेट। 2-3 बजे तकरीबन हम निकले एबटाबाद से और अभी हैं हम नथिया गली की चढ़ाइयों में। आज है मेरे साथ एजाज मीर साहब और सलीम भाई और यासर भाई। फ्रेंड्स, हम पहुंचे हैं बाड़ा गली। यहाँ से आगे जो है एक ट्रैक निकलता है नूरशाह गाजी के मज़ार को और दूसरा ट्रैक जाता है समुद्रकंठा झील। समुद्रकंठा झील की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से आगे तकरीबन जो है 1 घंटा 20-30 मिनट का पैदल रास्ता है। तो यहाँ से हम गाड़ी यहाँ पार्क कर दिए और निकलेंगे आगे पैदल। तो रहे हमारे साथ, आपको दिखाते हैं आज नथिया गली का जंगल और नूरशाह गाजी का मज़ार। फ्रेंड्स, अगर आप आना चाहते हैं नूरशाह गाजी के मज़ार पर, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने आना है सुबह जल्दी, क्योंकि अगर वापसी में आपको हो जाता है अंधेरा हमारी तरह अगर आप आते हैं लेट, तो ये है सारा जंगल और इस जंगल में पाए जाते हैं बंदर, चीता, ये जानवर जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। और साथ लेडीज़ को हरगिज़ लेके ना आए, एक तो पैदल ट्रैकिंग काफ़ी सारी है और दूसरा जो है ये सारा जंगल है, अगर वापसी में आपको अंधेरा हो जाता है तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम तकरीबन जो है मज़ार के नज़दीक आ गए हैं। ये सामने पहाड़ी पर जो है मज़ार वाक़ है, तो रहे हैं हमारे साथ, आपको वहाँ पहुँच के पूरी अपडेट देते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहुंचे हैं नूरशाह गाजी के मज़ार पर और अभी आपको दिखाते हैं हम नूरशाह गाजी का मज़ार। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये है फ्रेंड्स मस्जिद, नमाज़ पढ़ने के लिए बेहतरीन जगह बनाई हुई है, एक मस्जिद है और इसके साथ ही ऊपर ये है मज़ार। जाते हैं अंदर, दुआ करते हैं, उसके बाद फिर आपको जो है बकाया इसको हर एंगल से दिखाते हैं। मज़ार का अंदरूनी मंज़र अभी आपको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कितनी ऊंचाई पर वाक़ है। ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ी की एक चोटी है और उस चोटी की ऊपर वाक़ है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना है और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफ़िज़।